देखो बहुत ही क्रिशियल मोड़ है। अरे भैया, अरे भैया देखो, देख कर क्रॉस करो। थैंक यू। ये जा रहा है ट्रेन, खाली खाली है एकदम, बिल्कुल ट्रेन। वेलकम इन नया व्लॉग दोस्तों। आज मैं और मेरी मम्मी, हम दोनों जा रहे हैं थोड़ा सा शॉपिंग करने के लिए। शॉपिंग एग्जैक्टली किस बारे में? तो भाई नया साल आने को है और नया साल में मैं कुछ ट्रिप प्लान कर रहा हूँ। तो मेरे लास्ट साल मीन्स जो रनिंग साल है 2020, इस साल में तो भाई मैं कोई ट्रैवलिंग का ज़्यादा व्लॉग नहीं कर पाया। लास्ट में ट्रिप मैं किया था सिर्फ इस साल में बांग्लादेश में इन फेब्रुअरी, तो उसके बाद करूँगा के लिए पूरा ट्रैवल का कॉन्सेप्ट पूरा बंद हो चुका है दुनिया भर में। बट नया नया ऑप्शन आ रहे हैं, तो ये साल के एकदम शुरुआत में जनवरी के पहले वीक से ही आई एम गोइंग टू डू लॉट ऑफ ट्रैवल ब्लॉग्स। उसके लिए चाहिए कुछ खरीदारी, दैट्स व्हाई आई एम गोइंग फॉर दैट। 10 मिनट बाइक चलाने के बाद मैं आ चुका हूँ इन द मेन टाउनशिप ऑफ माई एरिया। भाई मैं जहाँ पर रहता हूँ, ये जो मेरा मेन सिटी है दैट इज़ कॉल्ड बारासात, कोलकाता के एकदम पास ही है। कोलकाता से जस्ट कितना किलोमीटर होगा, 10 किलोमीटर मैक्स टू मैक्स। तो बारासात शहर का एक अंदर जगह में रहता हूँ और मैं आ चुका हूँ एकदम प्रॉपर बारासात में। और ये लोकेशन बहुत ही फेमस है, आप देख सकते हो। ये है श्री लेदर, बंगाल का बहुत ही फेमस जूतों का दुकान। और इस तरफ आप जितने भी जाओगे यू विल फाइंड प्लेंटी ऑफ शॉप्स इन बोथ साइड, दोनों तरफ। ओके, ऑल ब्रांड्स, ऑल डिफरेंट टाइप ऑफ कलेक्शन आपको यहाँ पर दोस्तों मिल जाएगा। तो चलिए अंदर जाते हैं, बट यहाँ पर रेड सिग्नल है तो थोड़ा सा सिग्नल में इंतज़ार करते हैं, देखते हैं आगे का सीन क्या है। तो यहाँ पर एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि आप ख़रीदारी करने आओ तो ऑप्शन प्रॉब्लम नहीं है, बट बाइक रखने का जगह का ह्यूज क्राइसिस है। तो बाइक को कहीं सेफ जगह में छोड़ना पड़ेगा। एक्चुअली सेफ तो कोई जगह नहीं, यहाँ पर कोई ऑफिशियली और प्राइवेट पार्किंग का भी जगह नहीं है, लोग इधर उधर बाइक रख के चले जाते हैं। तो मैं भी ऐसा जगह सब देखो जगह पर बाइक रखे गए हैं, मैं भी ढूंढता हूँ ऐसे कुछ जगह जहाँ पर मैं भी आई कैन कीप माई बाइक। यस, यहाँ पर रख देते हैं बाइक को। हो गया बाइक का पार्किंग, सेफ एंड सिक्योर कितना है पता नहीं, बट बहुत सारे लोग यहाँ पर बाइक रखे हुए हैं इसीलिए मैं बाइक रखा हूँ। इधर इधर दिखे चलो, दिखे लास्ट जाए उठाते। सो भैया अभी ऑलरेडी जाना हूँ, देखते हैं क्या क्या खरीदारी करने। ज़्यादा कुछ नहीं, देखो एक्चुअली ट्रैवलिंग के लिए मेरे चाहिए दो तरह की चीज़। एक तो माई फर्स्ट प्रायोरिटी इज़ माई टेक्निकल सेटअप। क्या है मेरा टेक्निकल सेटअप? माई कैमरा, माई ट्राईपॉड, माई लैपल, माई लैपटॉप। ओके, तो लैपटॉप भी खरीदना है इस साल के अंत में, मीन्स अभी अभी एक दो दिन में, 10 दिन के अंदर आई एम गोइंग टू बाय द लैपटॉप। और ख़रीदारी करना है दो चार चीज़। एक खरीदारी है शॉल। शॉल क्यों? कहीं पर घूमने अगर जाओगे तो रात के टाइम कभी कभी ऐसा सीन हो जाता है आपको कंबल टंबल ठीक तरह से नहीं मिलता है, और मैं हूँ बजट ट्रेवलर। तो बींग अ बजट ट्रेवलर समटाइम्स मुझको क्या करना पड़ता है, मुझको ट्रेन में बस में ही रात बिताना पड़ता है। तो एक छोटा सा शॉल दैट कुड हेल्प मी आउट। और सेकेंडली मुझको चाहिए सम शॉर्ट्स। शॉर्ट्स का मतलब शॉर्ट पैंट। ये है मेरा लोकल दुकान, दिस इज़ द नर्सरी। बचपन में छोटा वाला को तो गाछ कूदतम, बचपन में पेड़ों का बहुत ज़्यादा शौक था मेरा, अभी बड़े हो जाने के बाद कोई शौक टॉक नहीं। यस, हेलो
নুড়া হবে তাদেরই কত করে গো কত করে 100 ডিফারেন্ট কালার না 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 দুটো নিয়ে নাও মা আরে দুটো না উড়িয়ে ফিরিয়ে পড়বা নাও না দুটো নাও আরে আমি দেবো তোমাকে নিয়ে নাও হ্যাঁ উইলি জন্য নিতে হবে না তুমি নাও না মাছটা বড় মাছটা বড় একটা ডিপ কালার থেকে নিতে পারতে এখানে তো নেই সামনে দেখি চলো হ্যাঁ হ্যাঁ না বারমুড়া এগুলো নেই গেঞ্জির কাপড়ের এগুলো নেই গর্ত সো স্টল খরিদনা হো গিয়া ইয়ে জো মানে ছোটা সা শল খরিদা হ্যায় 100 রুপে মে তো অভি ক্যা ঘর মে মাই মম উইল ইউজ আর জব মে কোই ঘুমনে যাউঙ্গা তো মে সাথ মে লে যা সকতা হু ইয়ে পুরা ছোটা সা হ্যায় আর হ্যান্ডি হ্যায় তো কাম চালাও চিজ হ্যায় তো অভি মুঝকো খরিদনা হ্যায় এক শর্টস নাই দো শর্টস খরিদনা হ্যায় ক্যুকি ট্রাভেলিং কে টাইম মে ভাইয়া এক চিজ আপ জিন্স ক্যা লোগে জ্যাকেট ক্যা লোগে ইয়ে তো ডিফারেন্ট ইস্যু হ্যায় বাট আপ দো তিন চার দিন পাঁচ দিন হো জাতা হ্যায় না তো আপকো জাদা জরুরত পড়তে হ্যায় আপকা শর্ট প্যান্ট কা গেঞ্জি 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 কাপড় দেখো 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 সরে এসো দিকে সরে এসো কত কাকু 100 দুটো নেবো দুটো নেবো আর এদিকে সামনে এসো আলোতে এসো এটা কত এটা 100 একদম ডবল কালারটা দেখো না সাদাটা বাদ দিই সাদাটা বাদ দিই এই কালারটা বেশ ভালো লাগলো এই তো হালকা কালার ওই তো আর কালার দেখো না এরকম ডবলের মধ্যে ডিপ কালারের দেখো এটা ফুল প্যান্ট চেনগুলো দেখে নাও চেনগুলো ওকে ফাইন তুমি পরো দেখি এই তো এক কালার ডবল কালারের অন্য কিছু হবে না ডবল কালারের এই একটাই ছিল সিঙ্গেল কালার ডবল কালার দেখো না গো হ্যাঁ এটা বেশ ওই সুন্দরগুলোই ঝুলিয়ে রাখে ঠিক আছে না লাইট কালার নেব না ডিপ কালার দরকার ওর জন্য এতগুলো টাকা দিচ্ছ কি তুমি আমাকে তুমি রাখো কি বললো সো হো গিয়া হ্যায় দো শর্টস খরিদনা ভাই মানে সোচা বার্গেন করকে 30 রুপয়ে ম্যাক্স টু ম্যাক্স সেভ হতা তো 30 রুপয়ে সেভ করকে আপকো জাদা 30 মিনিট আপকো ঘুমনা পড়তে ইধার উধার কে ঠিক আছে চলো জাদা মাথা পচ্ছি মত করকে 30 রুপয়ে সেভ ক্যা করনা ঠিক আছে চলো ইয়ার হো গিয়া জো হো গিয়া তো ইয়ে থা থোড়া সা শপিং মপিং কা চিজ অভি হম লোক কা জো নেক্সট কাম করনা হ্যায়
कंप्यूटर के दुकान में जाना है, क्योंकि कंप्यूटर में मेरा कुछ ग्लिच, कुछ टेक्निकल इश्यूज हो रहा है और कुछ चीज़ मैंने रिपेयर करने के लिए दिया है, इन माय हैंड दिया है। बट द प्रॉब्लम इज़ दैट अभी तक उसका कोई आउटपुट नहीं आया, फ़ोन भी नहीं कर रहे, तो सोचा भाई डायरेक्टली दुकान में चले जाओ और जाकर बात कर लो। तो चलिए, कंप्यूटर के दुकान पास ही है, पहुँचते हैं वहाँ पर। हम लोग जो बंगाली लोग होते हैं ना, हम लोगों का एक स्पेशलिटी होता है बार्गेनिंग करना। कुछ भी खरीदो हम लोग बार्गेन करके ही खरीदते हैं। बट अनफॉर्चुनेटली आई एम वेरी मच पुअर इन बार्गेनिंग। ये बंगाल में नहीं, पूरे इंडिया का ही सेम हम लोग का DNA में है बार्गेनिंग। एंड बार्गेनिंग के एस्पेक्ट में देखोगे, अगर इफ यू कम विथ माई फादर, ही इज़ जस्ट लाइक एक्सपर्ट ऑफ बार्गेनिंग। भाई 1000 रुपये का चीज़ 400-500 में कैसे ले लेते हैं भाई, पता नहीं, हर चीज़ में बार्गेनिंग। बट मी एंड माई मॉम इज़ नॉट दैट मच अवेयर अबाउट द बार्गेनिंग। ये मैं आ चुका हूँ कंप्यूटर दुकान के सामने। चलो बाइक को यहाँ पर पार्क करते हैं और दुकान के अंदर चलते हैं और वहाँ का सीन दिखाते हैं आपको। So friends, ये था टोटल तामझाम, मेरा लैपटॉप का, दुकान का, सब कुछ। भाई अभी अभी आया और अभी अभी रेड सिग्नल हो गया। भाई अभी 10 मिनट रुको यहाँ पर, जस्ट बैड लक, योलो था। आई कुड हैव क्रॉस कर सकता था, बट यहाँ पर भाई सब ट्रैफिक पुलिस है तो रिक्स नहीं लिया, रुक गया। रुको, देखो, फिर क्रॉस करो। देखो बहुत ही क्रिशियल मोड है। अरे भैया, अरे भैया, देखो, देख कर क्रॉस करो। तो यहाँ पर रुको, वेट करो, ट्रैफिक सिग्नल जब होगा ये भैया, तब हमको क्रॉस करना है। ओके, दिस इज़ द एंट्री ऑफ माय लोकेलिटी। ये सड़क बहुत इम्पोर्टेंट, इसको बोला जाता है नेशनल हाईवे 34, नेशनल हाईवे 34 इट इज़। तो हर वक्त आपको यहाँ पर रशेस मिलेगा। तो क्यों इम्पोर्टेंट है, दो पर्पस है। पर्पस नंबर वन, जो नॉर्थ ईस्ट इंडिया का, नॉर्थ ईस्ट का मतलब गुवाहाटी, आसाम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, ये जो एंटायर नॉर्थ ईस्ट का जितना भी स्टेट्स है इंडिया का, सभी जुड़ता है इस रास्ते से, राइट। तो सीधे 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 चले जाओगे, आप नॉर्थ ईस्ट पहुँच जाओगे। ओके, आपको लगेगा एक दो दिन, पर पहुँच जाओगे। तो दैट इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट, राइट। तो फर्स्टली चलो, सिग्नल होने को है और थैंक यू। और दूसरा इम्पॉर्टेंट चीज़ है, ये रास्ते से सीधे आप राइट लेकर सीधे चले जाओगे, जोशोर रोड को पकड़ के आप पहुंच जाओगे बांग्लादेश। तो भाई सोचो ये रास्ता कितना इम्पोर्टेंट है, नॉर्थ ईस्ट को कनेक्ट करता है, ओके, फिर से ये बांग्लादेश से कनेक्ट करता है। बांग्लादेश एक डिफरेंट डायरेक्शन में ले जाता है, बट सीधे जाकर आपको राइट लेना पड़ता है, पर इतना इम्पोर्टेंट रोड है, इसीलिए हर वक्त कभी भी आओ। ओके, रात को भी आप देखोगे भाई यहाँ पर ह्यूज ट्रैफिक रहता है, बोला जाता है ये सड़क कभी सोता नहीं है। दिस इज़ माई चाइल्ड हुड स्कूल, बचपन में, इन्फेंट में मैं स्कूल में पढ़ता था। ना 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 ना, यहाँ पर फिर से रेल फाटक बंद है भाई। ये जो दो दुकान देख रहे हो ना, चुप चुप के बोलता हूँ, ये जो फास्ट फूड का दुकान है मेरे एरिया का, एकदम सबसे पहले का फास्ट फूड का दुकान है ये दोनों। एक का नाम है अर्पिता रोल सेंटर, दूसरा नाम है शोमो रोल सेंटर। तो पहले ये जो इंटायर एरिया देख रहे हो, इतना चकाचक लाइट से भरा हुआ है, चारों तरफ दुकान है, सब कुछ है, पहले ये सब नहीं था, एकदम खाली खाली था बचपन में। अब से मैं 20-25 साल पहले का मैं स्टोरी बोल रहा हूँ आपको, ओके। तो तभी यहाँ पर खाने का चीज़ तो छोड़ो, लोग भी इतना कम था। तो देन ये दो दुकान से बचपन में हम लोग एग रोल,
चाउमीन, मुगलाई, ये सब जो चाइनीज़ खाना, चाइनीज़ फूड, वी यूज़ टू हैव दैट। सो अभी बहुत सारे दूसरे दुकान भी हो चुके हैं, बट इन दोनों दुकान का जो एक्सपीरियंस बहुत ही लाजवाब है। बट छोटे छोटे दुकान है, ठेला टाइप की दुकान, पर क्वालिटी इज़ वेरी गुड। ये जा रहा है ट्रेन, खाली खाली है एकदम बिल्कुल ट्रेन। ये ट्रेन जाएगा, उसके बाद रेल गेट उठेगा, उसके बाद मैं भी जा पाऊंगा। बाप रे बाप, ट्रैफिक का समुंदर पार करके मैं जा रहा हूँ। भाई रास्ते का हाल भी बहुत बुरा है। सर ये जो सामने का जो ये ग्रॉसरी शॉप है, इससे हमको बाकी खरीदारी करना है, तो ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ नहीं है, तो व्लॉग को यहाँ पर ख़त्म करते हैं। तो ये छोटा सा व्लॉग दैट आई हैव शूट विद माय मॉम, होप्स यू एंजॉयड। वीडियो को अच्छा लगा तो लाइक करना मत भूलिएगा, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा चैनल को, और दोस्तों के साथ थोड़ा सा शेयर कर दीजिएगा। सो गाइस सी यू इन द नेक्स्ट एक्साइटिंग एपिसोड।